नाचोस विथ कॉर्न सालसा। यह एक बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपी है जो बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। पीली मक्की का आटा 1 कप, मैदा 1/2 कप, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला, नमक, तेल और पानी। ये हमने अभी नाचोस के इंग्रेडिएंट्स देखे। अब हम सबसे पहले नाचोस बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी पीली मक्की का आटा। इसमें हम मिक्स करेंगे 1/2 कटोरी मैदा। इसके बाद हमें इसमें मिलाना है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून ऑरेगानो, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, स्वादानुसार नमक मिलाएंगे अब हम इसमें, और 1 टेबल स्पून हमें इसमें तेल लेना है मोयन के लिए। ज़्यादा मोयन नहीं डालना है, ज़्यादा मोयन डालेंगे तो ये ज़्यादा खस्ता होंगे और स्टोर करने के लिए हमें दिक्कत आएगी, क्रिस्पी ज़्यादा हो जाएंगे, स्टोर करने में ये टूट सकते हैं, इसलिए कम मोयन डालना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंथेंगे। हमें पराठे की तरह लगभग इसका आटा गूंदना है। ये हमने आटा पराठे की तरह गूंथ लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब 10 मिनट बाद ये हम आटे को निकाल के इसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अब हम इसकी थोड़ी मीडियम साइज की लोई बनाएंगे इस तरह से, और इसको हमें गोल बेलना है थोड़ा सा मैदा लगा के। हम इसको गोल बेलेंगे। इस तरह से हमने इसे सेमी थिक बेल लिया है, एकदम बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। अब हम इसे थोड़ा फॉर्क से फ्रिक करेंगे इस तरह, रैंडमली हमें फ्रिक करना है। अब यह फ्रिक की हुई भाजी को हमें ऐसे उल्टा करके गरम तवे पर हमें सेकना है। इसे हमें हल्का हल्का सेकना है दोनों साइड से। अब इसे पलटेंगे, दूसरी साइड से भी सेकेंगे। इस तरह से हमें इसे हल्का हल्का दोनों साइड से सेकना है, बिल्कुल एकदम कम हल्का। सेकने से इसका टेक्सचर भी परफेक्ट आएगा और तलते वक्त बबल्स भी नहीं आएंगे और कम ऑयली भी बनता है सेकने से। बस ये हो गई है हमारी रोटी और इसको अब हम निकाल लेंगे। इसी तरह दूसरी रोटी भी बेलेंगे। ये हमने नाचोस के लिए सारी रोटियां बेलकर फ्रिक करके एकदम धीमा धीमा दोनों साइड से इसको सेक लिया है तवे पर। अब हम इसे नाचोस का शेप देंगे, इसलिए इस तरह रोटी लेकर एक इस तरह किचन सीजर से हमें इसको नाचोस का शेप देना है, ट्रायंगल शेप देना है हमें इस साइड इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से हमें ट्रायंगल शेप देकर सारे नाचोस रेडी करने हैं। इसे बाद में हम डीप फ्राई करेंगे। ये हमारे सब नाचोस कट करके रेडी हैं, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम गैस को थोड़ा धीमा करते हैं, इसमें नाचोस डीप फ्राई करेंगे।
मीडियम फ्लेम पर हमने इसे तल लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हम हमारे बाकी के सभी नाचोस रेडी करते हैं। ये हमारे सारे नाचोस तलकर रेडी है। अब हम कॉर्न सालसा बनाएंगे। अब हम कॉर्न सालसा के लिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। एक कप बॉइल्ड कॉर्न है, स्वीट कॉर्न, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, एक प्याज बारीक कटा हुआ, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, दो लहसुन की कली बारीक काट कर ली है और एक चीज क्यूब को हमने बारीक टुकड़ों में काटा है, चिली फ्लेक्स, ऑरेगानो, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली सॉस, टमाटो केचप, विनेगर। कॉर्न सालसा टेम्पटिंग बनाने के लिए काला नमक, चाट मसाला, नमक और तेल। सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून तेल गरम करने के लिए रखेंगे। हमारा ये तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें 2 कली लहसुन की बारीक कट करके हमें डालनी है। इसमें हमें 1 प्याज बारीक कट करके डालना है और साथ में हमें 1 कप बॉइल कॉर्न इसमें डालने हैं। फुल फ्लेम पर हमें सबको सौते करना है। इसको हमें 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर टॉस करेंगे कॉर्न को। हमने इसे 1 मिनट टॉस कर लिया है। अब हम इसमें 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई मिक्स करेंगे। फुल फ्लेम पर हमें गैस को रखना है। साथ में हम 1 टीस्पून ऑरेगानो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर मिक्स करेंगे सबको। और इसमें हम 1/2 टीस्पून चिली सॉस और 1 टीस्पून हम सोया सॉस मिक्स करेंगे। सबको मिक्स करते हैं। सब मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। गैस को थोड़ा धीमा करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे एकदम टेम्पटिंग फ्लेवर के लिए। और 1 टेबल स्पून हम इसमें विनेगर डालेंगे। मिक्स करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे स्वादानुसार। कम डालना नमक, पहले ही हमने सारे मसाले और काला नमक डाला है। अब हम इसमें हमारा ये बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे 1। फिर से मीडियम फ्लेम पर सबको सौते करेंगे। साथ में हम इसमें ये चीज क्यूब, हमने 1 क्यूब के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, ये चीज क्यूब इसमें मिक्स करेंगे। ये हमारा सालसा रेडी है। अब हम गैस बंद करेंगे। ये हमने नाचोस को कॉर्न सालसा के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे मेरे चैनल संगीता विश्वरूप पर सब्सक्राइब करें।